अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली उस्मान और आप देख रहे हैं टेक डिस्कवरी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर दराज पे प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाए, प्रोडक्ट हंटिंग करने का ठीक तरीका क्या है। काफ़ी ज़्यादा न्यूबीज और जो नए सेलर्स हैं और जो बिगिनर सेलर हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है कि आखिर एक प्रोडक्ट को हंट कैसे किया जाए, कौन कौन से चैनल से, कौन कौन सी साइट से, कौन कौन से तरीक़ों से उनको हंट किया जाए, और उस हंटिंग के दौरान किन किन चीज़ों को ख्याल में रखा जाए कि ये प्रोडक्ट बेस्ट होगा, इस पर अच्छी सेल्स आएंगी नहीं आएंगी, ये रिटर्न्स आएंगे कैसे आएंगे, और नहीं आएंगे क्या वो प्रोडक्ट FBD अप्रूव होगा या नहीं होगा, और कितने परसेंट हमें प्रॉफिट मार्जिन वो प्रोडक्ट दे जाएगा। जी दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, मैंने कुछ स्टेप्स में इसको डिवाइड किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो आपने इन सब को जहन में ज़रूर रखना है। नंबर फर्स्ट जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है दराज हैंडबुक। सेकेंड जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है बैनर्स। थर्ड कैटेगरीज़ और फोर्थ फ्लैश सेल। तो चलिए हम चलते हैं हैंडबुक की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप की डिस्प्ले की तरफ जाएंगे। दराज हैंडबुक बेसिकली एक ऐसी ई बुक है जो दराज ने खुद जो है वो सेलर्स को प्रोवाइड की हुई है, और वो दराज यूनिवर्सिटी पर आपको ईजीली मिल जाएगी। आपने सिंपली क्या करना है, आपने जाना है दराज यूनिवर्सिटी पर, ठीक है। दराज यूनिवर्सिटी पे आपने वहाँ जाके लिखना है दराज हैंडबुक। दराज हैंडबुक ये हर साल दराज की जो टीम है वो इसको लॉन्च करती है, और जिसमें जो है उनकी मंथली सेल्स होती हैं कि कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में रहे, किस कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल हुई, और किस प्रोडक्ट के सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आए, और जो सालाना सेल्स होती हैं उनमें कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे रहे, कौन से नहीं अच्छे रहे, और आपने जो है आने वाली सेल्स में आप किन प्रोडक्ट्स को जो है वो स्टॉक कर सकते हैं। ये सब रिकमेंडेशन इस दराज हैंडबुक में इंक्लूड होती हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ दराज हैंडबुक, और जो मैंने इसको सर्च कर दिया, देर इज़ नो सर्च रिजल्ट। अब हम कंटेंट लाइब्रेरी में जाके चेक करते हैं। सॉरी, यहाँ पे होनी चाहिए दराज हैंडबुक डिस्क्रिप्शन हाइलाइट्स। लास्ट टाइम जो है वो डायरेक्ट सर्च से ही आ जाती थी, लेकिन दिस टाइम इन्होंने ज़रा अपडेट्स वगैरह की हैं। सर्च बाय कैटेगरी, सर्च बाय टाइप, कोर्सेज, लिस्टिंग, फाइनेंस, गेटिंग स्टार्टेड, ट्रैफिक, सेल्स, क्रॉस बॉर्डर कोर्स, सॉर्ट बाय। ये देखें, आपने सिंपली लिखना है हैंडबुक, और यहाँ पे आ गई हमारे पास दराज इनसाइट्स हैंडबुक। सिंपली जो है ये देखें, यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए, वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 4 है, ठीक है। ये जो है मेरा ख्याल 2019-20, और ये जो लेटेस्ट है वॉल्यूम 4 वो 2021 वाली है। कोशिश करें अगर आप इन सबको रीड कर सकते हैं तो आप सबको रीड कर लें, तो अदरवाइज़ रीड नहीं भी कर सकते तो नो इशू, आप सिर्फ 2021 वाली जो है वो रीड कर लें। चलिए इसको डाउनलोड भी हम कर लेते हैं। ये डाउनलोड पे मैंने डू नॉट अलाउ रिक्वेस्टिंग दिस सेम फाइल ट्वाइस, डाउनलोड पे बेसिकली ये हो चुकी है, आई थिंक सो। Let me check the file we ruled has a new format। ठीक है, कोई मसला नहीं है दोस्तों। जब तक ये लोड होती है दराज इनसाइट हैंडबुक, बल्कि ये लोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये 2021 की लेटेस्ट ये गाइड है। आप इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ दराज इनसाइट हैंडबुक, ठीक है। तो आ गाइड विद ऑल द रेलेवेंट डाटा टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर आवर नेक्स्ट कैंपेन इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, तो आपको रेडी करने के लिए। तब इसमें देखें, ये बिग फ्राइडे 12-12 सेल, इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है। देखें इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, नंबर 1 पे जो जा रही है कैटेगरी मोबाइल की है, 2nd पे लैपटॉप की, 3rd पे स्मार्ट वॉचेस की, 4th पे पावर बैंक की, 5 पे एयरपोर्ट, पबजी ट्रिगर्स, आईफोन 12 प्रो मैक्स जो सबसे ज़्यादा सर्च होता है, और ये हैंड फ्री है, देख सकते हैं आप। ये मोबाइल की तकरीबन 25,000 में रखा लिया सर्च इन, हाँ सर्च के करीब जा रहा है, यानी कि इतनी इस जो है ये कीवर्ड की सर्चेज वगैरह होती हैं सर्च की टर्म। और ये टॉप सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ये इन्होंने एक एग्जांपल भी दे दी है TD के हैंड फ्री। ये देखें, ये पोको M3 और ये डबल मोबाइल होल्डर,
ये पबजी क्लब, ये MI3 10,000 mAh, ये देखें अभी ये आपको प्रोडक्ट्स की एग्जांपल्स वगैरह दे रहे हैं, रिंग लाइट भी दे रहे हैं। ठीक है, आप आगे इसको मूव करते जाएं। ये आइडियल प्राइस पॉइंट इनकी, ये देखें प्राइस पॉइंट भी दे रहे हैं कि कम अज़ कम जो है, जो सबसे अच्छी सेल्स आ रही हैं रेगुलर, उन पर 10,000 से 40,000 भी प्राइस हो तो उसका कोई इशू नहीं है। तो अगर हमने अब आगे आ जाते हैं फैशन, ठीक है, नंबर वन पे वॉचेस फॉर बॉयज़ है, हैंड बैग फॉर गर्ल्स है, और ये जो है आप देख सकते हैं ये 30,000 जो है सर्च इंस्टेंसेस जो हैं इसके, स्मार्ट वॉचेस फॉर बॉयज़, इसके टोटल 30 पेज हैं इस बुक के। ये आप देखें आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, ये मज़ीद इंक्रीज़ भी होते हैं। और ये आप देख सकते हैं जो फैशन में सबसे ज़्यादा सेल होने वाले ये प्रोडक्ट्स हैं, बाकायदा उन्होंने सारा इसका सीन दिया हुआ है। देखें बैग्स एंड ट्रैवल, तो इसका ये आइडियल प्राइस पॉइंट आपने ये जो है माइंड में रखना है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और ये देखें इसमें फिर वॉचेस फॉर, बल्कि ये पहले वॉचेस फॉर बॉयज़ है, वॉचेस फॉर गर्ल्स है, मास्क आता है सेकंड नंबर पे, फोर्टीन थाउजेंड सर्चेस, जो कि मास्क में ख़ुद भी सेल कर रहा था, तो के जो कि मंथ में तकरीबन जो मेरे पास जो सेल्स वगैरह आई हैं वो महीने में एक जो है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर 2 से 3 हज़ार यूनिट्स उसके सेल हो रहे थे मास्क के, ये इन अगर मैं कुछ एक दो माह पहले की बात करूँगा। ये लाइफ स्टाइल, ठीक है, तो ये आप जैसे जैसे इसको आगे करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिलते रहेंगे इसके अंदर दोस्तों। तो अब हम ये हैंडबुक वाला जो चैप्टर है वो क्लोज़ करते हैं। अगर मैं जाऊँ Draz.pk पे, तो सेकंड जो मैंने चूज़ किया था वो था बैनर्स, ठीक है। व्हाट इज़ बैनर दोस्तों? ये जो बैनर्स होते हैं ये Draz लगाते हैं अपने सेल के मुताबिक। देखें ईद फेस्टिवल है तो ये मेन पेज, मेन वेबसाइट के, मेन ऐप के ये बैनर्स होते हैं। Draz ये बैनर्स सेल के हिसाब से लगाता है, इनमें सिर्फ वही प्रोडक्ट लगाता है जिसकी कस्टमर डिमांड कर रहा था, जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहे होते हैं। आप इसको ओपन इन न्यू लिंक इन न्यू टैब करें, सुपर संडे है ये देखें, बल्कि ये तो सेल लगाई हुई 10%। तो आप इनको आगे करते जाएँ, देखें इलेक्ट्रॉनिक्स है, और अभी ग्लोबल कलेक्शन पर इन्होंने लगाया हुआ, होम एंड लाइफ स्टाइल पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब ये मैंने इधर ईद फेस्टिवल को ओपन किया था, तो ये भी ये फर्नीचर एंड डिकोर वाला भी ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ये देखें ये वो वाले प्रोडक्ट्स हमें शो करेगा सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, ठीक है। होम एंड लाइफस्टाइल, यानी कि अब इसने होम एंड लाइफस्टाइल की जो है Draz ने वो सेल लगाई हुई है, ठीक है। तो इनमें जो है अगर आप इस बैनर पे क्लिक करें तो हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इनकी काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही हैं। अब ये देखें एक ये है, ये इसके 867 रिव्यूज़ है, हम इसको ओपन कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा लगा, हम इसको भी ओपन कर लेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैं प्रोडक्ट्स ओपन कर रहा हूँ, हम आगे जाकर देखेंगे कि आखिर हमने इनमें से प्रोडक्ट फाइनल कैसे करना है और कौन सा करना है। ये देखें जिनके अच्छे रिव्यूज़ हैं और 4 या 4.5 रेटिंग से प्लस हैं वो ओपन कर लें। देखें हमारे पास कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ गए, ये देखें काफ़ी अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें 75, कोशिश करें ऐसे प्रोडक्ट ढूंढें जिनके ऊपर Draz ने खुद टॉप रिव्यू का टैग दिया हो। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा कम समय में, कम टाइम में सबसे ज़्यादा सेल हो रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ भी इनके ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने ये बैनर्स वाला जो है वो भी अपना क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं इस पर फ्लैश सेल पे, जो हमारा फोर्थ था, बल्कि उसको थर्ड पे ले आया हूँ। तकरीबन फ्लैश सेल का तो सबको पता होगा, फ्लैश सेल आखिर लगती कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जब Draz कोई भी बड़ी सेल लगाता है, जैसे 12/12 है, बिग फ्राइडे है, या ईद फेस्टिवल वगैरह हो गया, पाकिस्तान डे सेल होगी, तो उन सेल्स के दौरान जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, तो सबसे ज़्यादा सेल जिनके सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं उस दौरान, सबसे ज़्यादा यूनिट सेल होते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ आते हैं उन पे, तो Draz उनको क्या करते हैं, उनको बार बार प्रोडक्ट को उठा के वापस जो है फ्लैश सेल में लगाता रहता है विदाउट सेलर परमिशन, ठीक है, सेलर की परमिशन के बगैर ही लगाता रहता है, और सेलर्स को उस पर और भी ऑर्डर्स आते हैं, यानी कि उसका प्रोडक्ट Draz फिर खुद प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है। एज अ सेलर आपने देखा होगा कि कभी हो गया साल में एक दो बार आपके पास फ्लैश सेल की जो है वो कैंपेन आई होगी कि आप इसमें रजिस्टर करें, जब आप रजिस्टर करने जाते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये देखते जाएं आप, ये देखें अब ये जो है ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये देखें ये 73 सेल हो गए हैं, ये डर्मा रोलर है, ठीक है, आप इसको भी ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आइडियाज़ ले सकते हैं, जो ये देखें सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रहे हैं, जो आपको समझ में भी आ रहे हैं, ठीक है। कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स से अवॉइड करें, जो यानी कि लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं उनसे आप अवॉइड करें। ये देखें वॉल फोन होल्डर जो हमने Draz हैंडबुक में भी देखा था, और ये मैंने इसको भी ओपन कर लिया है,
और ये देखें 217 रेटिंग्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब वापस अब हम दराज पे आते हैं, और हम बात कर रहे थे कैटेगरीज की, अब हम अपने फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ टॉपिक पे जो है कैटेगरी। दोस्तों अगर आप यहाँ पे साइड पे देखें तो दराज के पास, दराज यहाँ पे शो कर रहा है कैटेगरी। दराज के ऊपर तकरीबन 100+ कैटेगरीज हैं, जो यहाँ पे हमारे पास टैब शो हो रहे हैं, ये होती है कैटेगरी, और जो आगे उसके आता है वो होती है सब कैटेगरी। ये देखें, ये आगे सब कैटेगरीज निकल कर आ रही हैं, ठीक है। इनसे हमें पता लगता है कि सबसे ज़्यादा जो सेल है दराज पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की है, फिर एसेसरीज़ की है, फिर टीवी एंड होम अप्लायंसेज की है। एज एन आइडिया आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप हर कैटेगरी में जो है स्पेसिफिक सब कैटेगरी में जाकर प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब ये है स्क्रीन प्रोटेक्टर 4500, ठीक है। चलो मैं ऐसे ही इसको एक ओपन कर लेता हूँ, मैंने सब कैटेगरी में जाके इस प्रोडक्ट को निकाला है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि अब हम इन प्रोडक्ट्स को फाइनल कैसे करें, आखिर इनकी सेल्स, मंथली सेल्स हैं कितनी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने इसको भी ओपन कर लिया, ये भी मेरे पास ओपन आ गया है, ये भी आ गया ग्लो इन द डार्क। ये मैंने कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट किए आपके सामने ही, 7-8 तो यूं ही सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, विदाउट यानी कि एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड किए बगैर। अब हम डर्मा रोलर को ले लेते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने एक एक्सेल की शीट बनानी है दोस्तों। अब हम जो है इन प्रोडक्ट की सेल्स को ट्रैक करेंगे, आपने कम से कम जो है 1 वीक जो है इन प्रोडक्ट की सेल्स को ट्रैक करना है। और हम इसको ट्रैक कैसे करेंगे, ये देखें, आपने क्या करना है, कंट्रोल यू में जाना है, यहाँ पे आ गया व्यू सोर्स, कंट्रोल एफ में इसको करूँगा, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ स्टॉक, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, स्टॉक, सॉरी, ये देखें अभी सेलर के पास 249 का स्टॉक जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। आपने यहाँ पे जो है अपना डर्मा रोलर आपने सेलेक्ट किया, आपने इसको लगाना है डर्मा रोलर को, ठीक है। और इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आपने लिखना है प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपने सेल पहले दिन की कितनी थी, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 7 दिन की आपने ना रेगुलर सेल्स को ट्रैक करना है। अगर आप ज़्यादा सेल्स को भी ट्रैक कर सकते हैं तो आप ज़्यादा भी कर लें, तो मैं कहता हूँ डेट्स इन, यानी कि काफ़ी अच्छी बात होगी, लेकिन 1 हफ्ते की सेल्स भी बहुत हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इसमें कंट्रोल यू में थे, यानी कि फर्स्ट डे 249 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 249, ठीक है। तो अगर हम कल ट्रैक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये होता है 200, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 200, यानी कि एक दिन में 50 सेल हुए, ऐसे हम करते हैं। अगर ये काफ़ी अच्छी इसकी डेली की कोई 20-30 सेल्स हो रही हैं, या 40-50 कम अज़ कम 10-20 भी हो रही हैं, तो बहुत ज़बरदस्त, हम इस प्रोडक्ट को यानी कि ओके कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे इसकी रेटिंग्स की तरफ, ठीक है दोस्तों। रेटिंग्स में जो है आपने क्या करना है, आपने जाना है नेगेटिव रेटिंग के अंदर, ठीक है। 1 स्टार जो रेटिंग होती है, 1, 2 और 3, क्योंकि इसमें है नहीं, तो मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट ज़बरदस्त है, ठीक है, बेस्ट एवर प्रोडक्ट है, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसकी 7 दिन की सेल्स काफ़ी अच्छी आती है। अब मैं आपको नेगेटिव रेटिंग का सीन बताता हूँ क्या होता है। अब ये देखें, ये वाला प्रोडक्ट है, इसमें नेगेटिव रेटिंग है। हम मैं जाता हूँ सिंगल स्टार के अंदर, ये देखें लिखा टूटा हुआ पीस है और बिल्कुल बेकार क्वालिटी है, मुझे रिप्लेस करके दें। देखें इतने का टूटा हुआ पीस है, यानी कि ये सेलर जो है वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट भेज रहा है, लेकिन बेशक पैक कर रहा होगा, लेकिन अच्छे तरीके से पैक नहीं कर रहा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो टूट जाता है। एक आप ये पॉइंट साइड पर लिख लें, जब भी आपने इस प्रोडक्ट को पैक करके भेजना है, तो बल्कि डिस्पैच करना है, उससे पहले आपने इसको अच्छी तरह से पैक करना है, ठीक है। अब जो ये सेलर कमियाँ पूरी नहीं कर सका, वो हम खुद करेंगे पूरी। और ये देखिए, इसने हमें छोड़ा हुआ ऑर्डर, फोन बट आई रिसीव ओनली 1, इंतहाई घटिया किस्म मटेरियल से बना हुआ है, 2, लो क्वालिटी। देखें अब इसमें मसला रहा लो क्वालिटी का, भी कोशिश करें कि बेशक अगर आपकी सोर्सिंग प्राइस में 5 या 10 रुपये एक्स्ट्रा भी जाते हैं, तो नो इशू, आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है उसको ढूंढ कर वो ले आए। इसके देखें तो सही, इसका क्या मसला है, आई थिंक इसको भी कोई टूटा हुआ, आई डोंट थिंक सो, पता नहीं क्या इशू है इसका। अब ये देखें, ये है इसकी नेगेटिव रेटिंग का काफ़ी, 76 नेगेटिव रेटिंग दोस्तों। तो अगर ये देखें, 2 पीसेज जस्ट 1 रिसीव, इसको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। एवरेज क्वालिटी, वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का ढूंढे, पुअर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का ले गए, इतने पैसे की एक चीज़, वो भी इतनी छोटी सी, ये तो अपना 1000 रुपी, बट क्वालिटी नॉट वर्किंग, नॉट रिकमेंडेड,
यानी कि क्वालिटी का भी काफ़ी इशू आ रहा है। ठीक है, आपने नेगेटिव पॉइंट्स में वो पॉइंट्स ढूंढने हैं। अगर आप नेगेटिव पॉइंट्स सारे कवर कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के, तो आप इस प्रोडक्ट को 100% ओके कर लें। ठीक है, अगर कोई ऐसा पॉइंट आपसे रह जाता है कि आप कहते हैं कि भाई मैं इसको कवर नहीं कर सकता, तो आप इस प्रोडक्ट को छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि दराज पे आपको पता है कस्टमर अभी रिटर्न कर लेता है, दराज का रिटर्न एक्सेप्ट कर लेता है। अब रिसेंटली दराज ने एक पॉलिसी लॉन्च की है, मेरा ख्याल से अभी वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया कि जो 1,000 या उससे कम का प्रोडक्ट होगा, अगर कस्टमर उसको रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो कस्टमर प्रोडक्ट भी रख ले और कस्टमर को इंस्टेंट रिफंड भी मिल जाएगा। तो ये दराज ने कुछ ऐसा किया, तो इन चीज़ों का आपने काफ़ी ख्याल रखना है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और ऐसे आपने प्रोडक्ट्स को जो है वो फाइनल करना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ आपको आंसर देने के लिए। हमारा प्राइवेट फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।